ग्रामीणों के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो भेड़िए का आतंक भूमि के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग को 35 दिन से लगातार लगा हुआ, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिला स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है। और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसके नदी के इस पार मिली। और जो हमने गांव में जा कर के गाँव वालों से पूछा, तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ, और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फॉरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी SPRA से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया उससे बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं SDM के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था, तो इन कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो SPRA की दोनों बातें झूठी हो गई। और SP ने कहा कि SPRA साहब जाँच करके आई हैं, यहाँ तक कि CCF वन विभाग, जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी, उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी करने की नीयत हो किसी की, और इस तरह की घटना करने का किसी का उद्देश्य हो, तो इस पर इसकी जांच करके, गंभीरता से जांच करके, कमेटी बना करके फॉरेंसिक टीम आई थी, इसको जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें उस डिपार्टमेंट से इसकी जाँच करा करके, और इसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आप रात में ग्रामीणों के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं, और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत, और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें, बड़े लोग बाहर रहें, और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग एक महीने ज़्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं, अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है, और रेणु सिंह जी ने कहा है कि DFO बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी, कल आने से, कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं, तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटनास्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं, अब तक जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटनास्थल तक गए हैं, न CO घटनास्थल तक के गए हैं, न SPRA घटनास्थल तक के गए हैं, और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटनास्थल तक गया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पर जाना चाहिए, और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही है कि मिस मैच कर रही है, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।